हाय गाइस, मेरा नाम है जेम्स। आज हम बनाना सीखेंगे इलस्ट्रेटर में एक लोगो डिज़ाइन। तो आइए सीखते हैं इसे कैसे बनाएं। तो ये लोगो बनाने के लिए हम पहला लेंगे लाइन टूल और शिफ्ट दबा के रखेंगे और एक लंबी सी लाइन हम बना लेंगे इस तरह। और इसे कॉपी करने के लिए हम ऑल्ट दबा के इसे ड्रैग करेंगे और इसे फिर से कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल दबा के रखेंगे और डी प्रेस करेंगे जितने लाइन हमें क्रिएट करने हैं। तो मेरे केस में मैं इस वक्त 7 लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। और इसे अलाइन कर लेंगे इस तरीके से। फिर अभी इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म और रोटेट में जाएंगे, सॉरी रिफ्लेक्ट में जाएंगे और इसे हम 30 डिग्री पे टर्न करेंगे और इसे कॉपी करना ना भूलें। मैं अभी फिर से इसे रोटेट करना है तो फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे और इस बार हम वर्टिकली करेंगे और फिर से 30 डिग्री और फिर से कॉपी। सॉरी, आई थिंक सेलेक्ट नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, वर्टिकल सेलेक्ट, कॉपी। अब हम जूम कर लेंगे। अभी हमें जो भी शेप क्रिएट करना है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज एक सिंपल लोगो में बना रहा हूँ। तो शेप बिल्डर टूल हम यहाँ से ले लेंगे। इस तरह से तो ये मेरा लोगो क्रिएट हो चुका है। मैं बना रहा था ए शेप लोगो, अच्छा दिख रहा है, बन चुका है। इसे सेलेक्ट करके मैं बाहर निकालूंगा और इसे मैं डिलीट कर दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका थिकनेस बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक प्रेस करेंगे से साथ में सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपांड, ओके कर देंगे। फिर शेप में जाके पाथ फाइंडर में जाएंगे हम और उसे एक साथ ग्रुप कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पॉलीगन स्टाइल में हमने जो लोगो क्रिएट किया है इलस्ट्रेटर में। आप ऐसे ही कई सारे शेप आप बना सकते हैं इलस्ट्रेटर में और आसानी से आप लोगो बना सकते हैं। ये मॉडर्न स्टाइल लोगो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कमेंट करना ना भूलें कि आपने इससे क्या सीखा है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।